हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आंसर एवरीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे रिलायंस जियो के नए प्रोडक्ट जियो ग्लास के बारे में। दोस्तों अगर आपने नहीं सुना कि जियो ग्लास कब लॉन्च हुआ, तो हम आपको बता दें कि रिलायंस जियो अपने हर इवेंट में कुछ न कुछ लॉन्च करता है। जैसे कि पिछले इवेंट में उन्होंने जियो मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया था, तो हाल ही के इस इवेंट में रिलायंस ने अपना नया प्रोडक्ट जियो ग्लास लॉन्च कर दिया है। तो हम आपको बताएंगे कि क्या है खास इस जियो ग्लास में। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले जियो ने अपना एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियो मीट लॉन्च किया था, उसके बारे में आपको पता होगा। जियो मीट जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जिसकी सहायता से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो उसी प्रकार जियो ग्लास भी एक मिक्स्ड रियलिटी स्मार्ट ग्लास है जिसकी मदद से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाएंगे। जियो ग्लास को दोस्तों आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करके वीडियो कॉल्स 3D वीडियो कॉल्स में मीटिंग कर सकते हैं। जियो ग्लास भी अन्य चश्मे की तरह दिखता है जिसका इस्तेमाल आप अपनी आंखों पर लगाकर कर सकते हैं। इसमें कंपनी ने सेंसर कैमरे आदि दे रखे हैं। जियो ग्लास आपके मोबाइल से कनेक्ट होकर आपको 3D दुनिया का एहसास कराएगा। जियो ग्लास एक वायरलेस डिवाइस है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई वायर नहीं लगा होता है। जियो ग्लास की एक खास बात है कि दोस्तों यह 25 से भी ज़्यादा ऐप को सपोर्ट करता है, मतलब कि आप स्मार्टफोन के 25 ऐप को क्या कर सकते हैं, अपने जियो ग्लास में भी चला सकते हैं। इसके लिए आपको एक वायर की ज़रूरत पड़ती है जिसको आपको स्मार्टफोन से कनेक्ट करना होता है। जियो ग्लास आपको बता दें किनके लिए उपयोगी हो सकता है। तो दोस्तों जियो ग्लास जो है टीचर और स्टूडेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इसके जरिए स्टूडेंट जो है 3D वर्चुअल क्लासरूम का फ़ायदा उठा सकेंगे। टीचर इस ग्लास की सहायता से 3D टेक्निक को आसानी से समझा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने इसे लॉन्च करते समय ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है आगे कंपनी इसकी कीमत और फीचर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी दे सकती है। दोस्तों यह ग्लास कब से बिक्री के लिए उपलब्ध होगी अभी इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।